हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? भगवान आप लोगों को हमेशा स्वस्थ और मस्त रखे। मैं आज आप लोगों को 9 साड़ी के टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स, जो भी आप समझ लो, मैं आज आप लोगों को वो बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप साड़ी कभी नहीं पहने हो लाइफ में, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप साड़ी पहनते भी हो, तो फिर भी आप देखो, हो सके आपको कुछ सीखने को मिल जाए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो आपको ना पेटीकोट और साड़ी फॉल, ये दोनों का ना मैचिंग देखना पड़ेगा, सेम मैचिंग का होना चाहिए। अगर आप पतली साड़ी पहनते हो, नेट की साड़ी हो या फिर शिफॉन की साड़ी हो, तो आपको देखना है कि सेम पेटीकोट होना चाहिए एंड सेम साड़ी फॉल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा थिक साड़ी है, जैसे कि ये साड़ी है, इसमें मतलब पता नहीं चलता कौन सा मैं पेटीकोट पहनी हूँ, तो उसमें आप दूसरे कलर का भी पेटीकोट पहन सकते हो, लेकिन साड़ी फॉल आप सेम ही कलर का रखना, क्योंकि साड़ी फॉल तो आप जब भी साड़ी मतलब रखोगे, साड़ी को ड्राई करोगे या फिर जो भी करोगे, तो सेटी को साड़ी फॉल तो चिपका ही रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा दूसरे कलर का रहेगा। तो आप साड़ी फॉल सेम ही लेना एंड पेटीकोट अगर पतली साड़ी है तो सेम ही पहनना, एंड पतली नहीं है तो फिर कोई भी चलेगा। और खास करके उसमें जब नेट वाली साड़ी हो ना, तो आप बॉडी हगिंग साड़ी पेटीकोट पहनना। बॉडी हगिंग पेटीकोट बहुत ही अच्छा होगा आपके बॉडी के शेप के लिए एंड लुक के लिए। जब आप बॉडी हगिंग से वो पहनोगे ना पेटीकोट, तो आपके नेट वो नेट के अंदर से ना, वो जैसे कि कॉटन पेटीकोट पहनते हैं तो वो सिकुड़ा सिकुड़ा दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा एकदम अच्छे से, पूरे बॉडी का अच्छे से शेप आएगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपके पास बॉडी हगिंग पेटीकोट नहीं है, तो फिर आप इस तरीके से कॉटन पेटीकोट को बॉडी हगिंग बना सकते हो, जैसे मैं बनाई हूँ, जैसे आप वीडियो में देख सकते थे। पेटीकोट का लेंथ आपको साड़ी फॉल जो होता है ना, उसके बीचों बीच लेना है, मतलब एंकल लेंथ की तरह, एंकल लेंथ के पास आपको पेटीकोट का लेंथ लेना है। अगर आप पेटीकोट का, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, अगर ज्यादा लेंथ ले लोगे तो फिर पेटीकोट दिखेगा, साड़ी से नीचे दिखेगा, एंड जब आप छोटा ले लोगे और पतली साड़ी है, तो साड़ी फॉल के ऊपर दिखेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पेटीकोट का लेंथ का ध्यान रखिए, आप एंकल लेंथ तक ही पेटीकोट ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। साड़ी जो पहनती हो ना जिस लंबाई में, उस लंबाई का भी खास ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप अच्छी नहीं दिखोगे। साड़ी का लेंथ जो लंबाई होता है ना, वो फर्श पे सिर्फ टच होना चाहिए, ना ही फर्श पे ऐसे मुड़ा हुआ होना चाहिए, ना ही फर्श से थोड़ा भी ऊपर होना चाहिए, बस फर्श में टच होना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आपको हील्स पहनने हैं, तो आप पहले पेटीकोट मतलब साड़ी पहनने से पहले ही आप हील्स पहन लो, और उस लेंथ के हिसाब से ही आप वो साड़ी पहनना। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो और बिना हील के ही आप साड़ी अगर पहन लोगे, तो फिर जब हील पहनोगे तो साड़ी ऊंचा हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको फर्श से टच होके ही आपको साड़ी पहनना है, भले आप हील पहनो या फिर बिना हील के रहो, जैसे पहनना है वो उस हिसाब से आप पहन लेना, उसी हिसाब से आपको लेंथ लेना है। कमर पे जो प्लीट बनाते हैं ना, वो आपको नाभि के ठीक नीचे प्लीट को टकिंग करना है, नाभि से ना राइट टकिंग करना है ना लेफ्ट टकिंग करना है, आपको सिर्फ नाभि के नीचे ही बीचों बीच आपको प्लीट को टकिंग करना है। अगर लेफ्ट राइट थोड़ा ज्यादा भी घसका दोगे ना, तो फिर वो अच्छा लुक नहीं आएगा, वो खराब। अगर आप ब्लाउज पतली साड़ी पहन रहे हो या फिर इस तरीके से प्लीट कर रहे हो, जैसे मैं पतला सा की हूं, उसके लिए आपको ना फ्रंट बटन वाला ब्लाउज नहीं पहनना है, बैक बटन वाला या फिर साइड में जो जिप रहता है ना, वो वाला ब्लाउज पहनना है। क्योंकि अगर फ्रंट बटन वाली ब्लाउज पहनोगे और पतली साड़ी होगी या फिर इस तरीके से आप प्लीट करोगे ना, तो फिर ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लुक नहीं आएगा, इस यहाँ पे ना बटन दिखेगा। नीचे जो लगाते हैं ना आप कमर के पास जो प्लीट करते हो, उसको प्लीट करने के बाद आपको साड़ी पिन वहां पे लगाना है। अगर ये फिर साइड से जो हिप का जो शेप लेते हो ना, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, हिप का जो शेप लेते हो, वहां पे भी आपको पिन लगाना है, एंड आपको फिर ये प्लीट जो बनाओगे आगे में, वहां पे भी आपको पिन लगाना है। अगर पिन नहीं लगाओगे और लूज पेटीकोट पहनोगे, जैसे मैं काफी लूज पेटीकोट पहनती हूँ, मुझे टाइट पसंद नहीं आता, या फिर पता नहीं, मैं लूजी हेवी साड़ी भी हो, फिर भी मैं लूजी पेटीकोट पहनती हूँ, तो उसमें पिन लगाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप हल्की साड़ी पहन रहे हो और टाइट पेटीकोट बांधते हो, तो फिर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन लूज पहनते हो तो आप जरूर लगा। अब रही शोल्डर के पिन की बात, साड़ी पिन जो शोल्डर पे लगाते हो ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपका साड़ी हेवी है या लाइट वेटेड है, या फिर आप किस स्टाइल में उस साड़ी को ट्रैप कर रहे हो। अगर आप डिफरेंट स्टाइल में ट्रैप कर रहे हो, तो अरे अलग अलग तरीके से आप साड़ी पहन रहे हो, तो वो तो रिक्वायरमेंट होगा उस साड़ी के, मतलब स्टाइल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगा पिन का, जो किस स्टाइल में आप पहन रहे हो तो किस तरीके से आपको पिन लगाना है। एंड अगर आप सिंपल साड़ी पहनते हो, काफी सिंपल साड़ी, पतली साड़ी है, तो बस आप दो पिन ही लगाओ, एक यहाँ पे नीचे प्लीट के पास, नाभि के पास, एंड दूसरा यहाँ पे। ज्यादा पिन लगाओगे पतली साड़ी में तो अच्छा नहीं, अच्छा लुक नहीं आएगा, वो बहुत ही खराब लगेगा। अगर हेवी साड़ी है तो फिर आप अपने हिसाब से, या फिर जिस तरीके से स्टाइल करते हो उस तरीके से आप पिन लगा सकते हो। पतली साड़ी में ज्यादा पिन बिल्कुल भी मत लगाओ। आप हेवी साड़ी पहनते हो तो आप जूड़ा जरूर बनाना, क्योंकि हेवी साड़ी में
में या फिर हेवी लहंगे जो पहनते हैं ना, तो जूरा नहीं बनाते तो लुक उतना अच्छा नहीं आता है। तो आप हेवी साड़ी पहनो तो जूरा जरूर बनाना, एंड हल्की साड़ी है तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी हेयर स्टाइल हो वो कर सकते हो, लेकिन हेवी साड़ी में जूरा जरूर बनाना। जूरा का भी वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। अगर आप पिक्स क्लिक करवाते हो तो आपको स्ट्रेट बैठना है, जैसे मैं बैठ रही हूँ ना, आप देख सकते हो ऐसे बैठना है आपका। अगर आप ऐसे झुक के जो बैठोगे ना, ये बैक को जो झुका के बैठोगे ना, तो आपका टमी बाहर आता है। बैक को स्ट्रेट करके आपको बैठना है ताकि आपका पिक बहुत ही अच्छा आए। मैं तो यहाँ पे स्वेटर पहनी हूँ, बट स्वेटर नहीं पहनी रहती तो मैं बताती हूँ। आपका टमी इस तरीके से बैठोगे ना तो टमी आपका फ्लैट आता है, एंड झुक के ऐसे बैठते हो तो आपका टमी भले ही ना हो, तोंद आपका ना हो, लेकिन वो दिखता रहता है इस तरीके से बैठोगे। तो आप पिक क्लिक करवाने टाइम में इस तरीके स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो, आपका पिक बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। देखिए, हर इंसान को ना सपोर्ट की जरूरत होती है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, भले ही आप बड़े ऑफिसर बन जाओ किसी, उसमें भी आपका जब इंटरव्यू होता है ना, तो आप सोचते हो कि हाँ अगले आदमी मुझे सिलेक्ट कर ले, अगले आदमी से उम्मीद होती है हर फील्ड में। जैसे कि आप यूट्यूब पे ही आ जाओ, तो जो भी मिलियन सब्सक्राइबर जिनके भी है, जो भी बड़े यूट्यूबर है, वो सब जीरो से ही स्टार्ट किए होंगे, वो भी कभी ना कभी मेरे तरह ही रहे होंगे। हर इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे हर एक वीडियो में सपोर्ट करे, और सपोर्ट आप करते भी हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू छोटा वर्ड है, लेकिन क्या करूँ, थैंक यू बोल सकती हूँ। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे, और हमेशा आपकी अच्छी सोच दे, ताकि आप अपने लाइफ में और दूसरे की लाइफ में अच्छा काम कर सको। किसी का बुरा मत करना, किसी को बुरा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप खुद का बुरा ही हो जाता है दूसरे को बुरा सोचने में। जितना हो सके ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग देने की कोई उम्र नहीं होती। मैं हर वीडियो में ब्लेसिंग देती हूँ, जबकि मेरी उतनी एज भी नहीं है, फिर भी, क्योंकि किसी को ब्लेसिंग देने में आपको कुछ जाता नहीं है, आपको खुशी मिलती है और आपका अच्छा ही होता है। अगर आप किसी को, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो खुद का ही, अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है या फिर कोई आपको ब्लेसिंग देता है, तो आपके अंदर से क्या खुशी निकलती है ना, उस अगले आदमी के लिए दुआ ही निकलती है ना, तो फिर आप क्यों नहीं करते। आप भी सबको ब्लेसिंग दो, बड़े हो छोटे हो, किसी भी एज ग्रुप के, हर इंसान को ब्लेसिंग्स दे, हर इंसान को रिस्पेक्ट दे, हर इंसान की केयर करे, हर इंसान से प्यार करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े को रिस्पेक्ट दे छोटे को प्यार दे, नहीं, बड़े को भी प्यार की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है, वैसे छोटे को भी रिस्पेक्ट की जरूरत है। छोटा दे इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, हर इंसान को रिस्पेक्ट की जरूरत है। तो प्लीज, मेरे चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।